संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक तरफ इतनी गल कह देती कि कोई रब दी गल सुना देवे, कोई रब नाल मैनू जोड़ दवे ते मैं उसनों की दवा। जिहड़ा रब दे नाल जोड़ दवे उसनों मैं की दवा। मैं अर्ज करां, ए रब दे नाल उसे ने जोड़ना जो खुद जुड़ गया, और जिसनू खुद नू अनुभव नहीं है, जिसनू खुद नू खबर नहीं है, वो दूजे नू किस तरह समझा सकता है। एक आलम कहता है, जीवन में कभी ऐसा भी हुआ कि जिस बात को हम नहीं समझे दूसरों को समझाया? जिस गल नू खुद नहीं समझे दूजे नू समझाए, ते फिर गल किस तरह बन सकती? साहिब जी फरमाउंदे ने कि मैनू कोई रब नाल जोड़ दवे, कोई जन हर स्यों देवै जोर, मैं उसनू की दवां? उसने तां रब दी खबर दे दित्ती, रब दे नाल जोड़ दित्ता, फिर मैं की दवां उसनू? अगां दी पंक्ति विच कहंदे ने, चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। मैं उसका बहुत सत्कार करां, चरणां ते नमस्कार करां, शुभ बचन भी बोलां, अपना तन मनवार दूं। हुण एक गल चेते रखना, गुरु ते सिख दा जिहड़ा संबंध है वो इस तरह दा है कि सिख तन मन धन सब कुछ दे दवे गुरु नूं, और गुरु किस तरह दा होवे? कहंदे ने सिख ने जो तन मन धन भेंट कीता है उहदे विच होर बरकत पा के उस नूं वापिस कर दवे, कुछ नहीं चाहिए। और यही गल रहत नामे विच एक पुजारी ते भी टुकदी है, ग्रंथी साहिबान ते भी टुकदी है, रागी सिंघां ते भी टुकदी है। ते रहत नामे विच लिखिया कि आप सिंह जो पुजारी होवे तो भी पूजा बहुत न गए। जिहड़ी भेंट है वह भी बहुती नहीं लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए है? कहिंदे ने तन निर्वाह मात्र ही लेवे, अधिक होए तां जह कहें देवे। जे बहुती हो जावे तो लोड़वंदा नूं वंड दवे, लोड़वंदा। तो साहिब जी फरमाउंदे ने कि वह बोल फिर मैं किस तरह अपने हिरदे विच अपने जैन विच वसावा, उदी जुगती की है? सतगुरु जी कहंदे ने उदी जुगती
कि जिस तरह जमीन कई दफा समतल नहीं होंदी, किते निवाण है ते किते ऊंचाई है। निवाण ते पानी किस तरह रोकना है ते ऊंचाई ते पानी किस तरह रोकना है, कहिंदे ने छोटे छोटे क्यारे बना के। जिवें जिवें क्यारे बनाए, पानी उत्थे रुक गया, ठहर गया। साहिब जी कहिंदे ने कि तू भी हर रोज गुरु दे बोल सुन के एक एक गुण अपने जहन विच वसांदा जा, एक एक गुण, एक एक गुण। जे हर रोज दी कथा सुन के एक गुण हर रोज वसा लिया, फिर कितने गुण हो गए। पर इसनों भी छड्डो, गुस्ताखी माफ करना। एक मनुख कहिंदा है मेरी उम्र 70 साल दी हो गई ते मैं 60 सालों तो गुरु नानक साहिब दा गुरुपुरब देखदा आ रहा। 60 सालों तो, पर गुरु नानक साहिब दे गुरुपुरब तो की सिखिया। जे एक भी गुण लै लैंदा हुण तक 60 गुण तेरे कोल हो जांदे कट्ठे। हुण तक साल विच एक भी गुण लै लिया ते 60 गुण कट्ठे हो जांदे, ते 60 गुण तो बहुत ने। एक गुण भी मनुख नूं पार कर देंदा, एक गुण भी। पर जेकर उहदे विच गुण ना होवे फिर उसनों की कहा है। अज दे पावन सलोक विच 52 अखरी दी बाणी है। मनुख बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ते असी कह देने आ कि इस मनुख ने कितनी बंदगी कीती है कि प्रभु ने इतनी सुंदरता बख्शी है, और सुंदरता करके मनुख दा नाम सारे जगत विच फैल जांदा है, सारे जगत विच। जिसनों असी इस तरह भी कह देने आ विश्व सुंदरी है। इहदे वर्गा होर कोई सुंदर नहीं है, ये विश्व पदर ते सुंदरी है। और जेकर बहुत गहरे तल ते वेखिया जावे ते सुंदरता चर्म करके, चमड़ी करके, और कुछ भी नहीं। और जेकर इस चमड़ी तो पार जाके वेखिए तो फिर की है, खून है, मिज है, हड्डियां ने, मांस है, और कुछ भी नहीं। पर चमड़ी करके सुंदरता है। मनुख चमड़ी नूं देखदा है, उहदी रूह नूं नहीं देखदा, कदे भी चमड़ी देखदा है। तो इस चमड़ी करके उसने बहुत धन कमा लिया, नामना खट लिया। पर गुरु साहिब जी की कहंदे ने, तो सुंदर है, मुबारक है, तेरा जन्म बहुत उच्चे कुल विच होया, ए भी मुबारक है। गुरमत तां कुल मंदी नहीं कि उच्चा कुल की है, नीवा कुल की है, गुरमत नहीं मंदी। गुरमत की कहंदी है, गुरमत कहंदी है तू एक गल दस, तेरी जात कुछ भी है, तेरा मजहब कुछ भी है, पर तू इतनी गल दस, तू गुरु दा सिख भी है कि नहीं है, ये गल दस, ये गल दस। जे गुरु दी सिखिया तेरे कोल है तो मुबारक है तेरा जीवन। हुण कई दफा की होंदा है, कुलीन कहंदे ने बहुत उच्ची कुल, ते मनुख नूं जिथे सुंदरता दा माण है उत्थे उच्ची कुल दा भी माण हो जांदा है। मेरी कुल बहुत उच्ची है, मैं कोई छोटी मोटी कुल दा नहीं हाँ, मैं उच्ची कुल दा, ते तू नीवी कुल दा है। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब ने इतनी रहमत की थी कि जेड़ा कहंदा सी मेरी बहुत उच्ची कुल है और जेड़ा कहंदा सी मेरी कुल बहुत नीवी है, सतगुरु जी ने इको थां ते बिठा दिता सारिया नूं, इको थां ते। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्णां कौ सांझा, सारे ही वर्णा नूं इको ही धागे विच परो दिता जगत गुरु बाबे।
निरंकार दे धरते, ना कोई खत्री है, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, निरंकार दे धरते तो सारे दे सारे ओदे सेवक ने, ओदे बच्चे ने। एक पिता एक कसते हम बार, पर मन लेंदे हां तो सुंदर भी है, तू बहुत कुलीन है, उच्चे कुल विच तेरा जन्म होया है, पर इतना भी मन लेंदे हां तू बहुत चतुर भी है, बहुत चतुर है। क्योंकि कई दफा मनुख दे कोल इतनी चतराई होंदी है कि वड़े वड़े सियाने भी झुक जांदे ने उहदे सामने, इतना चतुर है। बोलन दे विच इतनी कला है कि चंगे तो चंगे विद्वान नूं भी झुका देंदा है, इतनी कला है, सिर्फ बोलन दी कला है। अंदर भावे कुछ भी ना होवे पर बोलन दी कला है। मन लैंदे आ ये भी ठीक है, मुख ज्ञानी तेरे कोल ज्ञान दियां गल्लां भी बहुत आ। कल मैं अर्ज कर रहा सी ज्ञान दी गल करनी होर गल है, पर उस ज्ञान नूं जीवन विच वसाना होर गल। असीं कह रहे हां बहुत सुंदर कीर्तन कीता, बहुत सुंदर कथा कीती, मनुख बहुत सुंदर कर्म करदा पिया है, पर कई दफा की हुंदा है ये जो कीर्तन है, जो कथा है, जो बहुत सुंदर कर्म ने, ये बीज है, ये बीज है। पर जिस बीज नूं जिस जमीन ते बीजना है वो जमीन भी तो चाहिए है, जमीन भी चाहिए। एक जमीन ऐसी है बहुत कंकरीली ते पथरीली, बीज उत्थे भी उगदा है। एक जमीन ऐसी है बहुत उपजाऊ है, बीज उत्थे भी उगदा है, उत्थे भी उगदा है। पर इन दोवां दे विच बहुत फर्क है, बहुत फर्क। मैं इस तरह अर्ज करा कि जगत दे विच जिहड़ी सब तो विलखणी नार है, बच्चे नूं ओह भी जन्म देंदी है, जिहड़ी बहुत सुलखणी नार है बच्चे नूं ओह भी जन्म देंदी है। इस नूं इसे तरह कह दवो, एक बहुत कंकरीली जमीन है, एक बहुत उपजाऊ जमीन है, पर एक गल चेते रखना, जिहड़ी बहुत ही कुचजी मां है, कुलखणी है, उसते बच्चे ते मां दा बहुत सा प्रभाव पैंदा है। ते जिहड़ी मां बहुत सुलखणी है बच्चे ते बहुत सा प्रभाव पैंदा है, बहुत सा। जिहड़ी जमीन बहुत कंकरीली है, पथरीली है, बीज ते बहुत प्रभाव पैंदा है। जिहड़ी जमीन बहुत उपजाऊ है, बीज ते बहुत फर्क पैंदा है, बहुत फर्क। क्योंकि ओही बीज जमीन दे तत्त नूं खिचदा है, जां ओ जमीन अपनी सारी ऊर्जा बीज नूं देंदी है, बीज। कई दफा मैं अर्ज करदा कि मात गर्भ दे विच जो एक अंकुर है, पिता दा बिंद है, ते ओ बिंद मां दी पूरी ऊर्जा नूं खिचदा है, पूरी ऊर्जा। ते मां भी अपनी पूरी दी पूरी ताकत, पूरी दी पूरी ऊर्जा उस बिंद नूं देंदी, और इसे करके उस बिंद नूं पालदियां पालदियां ऊर्जा देंदियां देंदियां उसका बहुता जीवन मुक जांदा है। सियाणे कहिंदे ने कि मां जीवन दे 5 साल गालदी है तां इक पुत पालदी है, इस तरह सियाणे कहिंदे ने। जीवन दे 5 साल खत्म हो गए, एक बच्चे नूं पाले, जे दूजा बच्चा होया अगां 5 साल होर उहदे खत्म हो गए, जीवन दे 10 साल खत्म हो गए। हुण जे जीवन दे 10 साल उहदे खत्म हो गए बच्चियां दे विच, ते उस मां दा तां बहुत वड्डा त्याग है, बहुत वड्डा त्याग। जीवन दे 10 साल बच्चियां दे नाम लिख दित्ते, लिख दित्ते। फिर कई दफा की होंदा है, कुछ कवि लिखते ने कि ओ मां बर्तन मांज कर भी मां 4-5 बच्चों को पालती है, भांडे मांज के भी, बर्तन मांज के भी 4-5 बच्चियां नूं पालती है। बच्चे जदों सियाणे हो गए, वड्डे हो गए,
बर्तन मांज कर भी माँ चार पांच बच्चों को पालती है, चार पांच बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। चार पांच बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। तो धरती जो है, जमीन जो है, वो बहुत कुछ उस बीज नू देंदी है। माँ बहुत कुछ अपने बच्चे नू देंदी है। फिर उस बच्चे का बहुत बड़ा फर्ज है मां की सेवा, पिता की सेवा। और किसान की करते ने जदों बीज बीजते ने, बाकायदा धरती पूजन करते ने, मत्था टेकते ने धरती ने। जदों बीज बीजते ने मत्था टेकते ने, हे धरती माता कृपा करनी मेरी फसल बहुत चंगी हो, बहुत चंगी। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मनुख बहुत चंगा बोलता है, बहुत चंगे कर्म करता है, बहुत चंगा कीर्तन भी कीता, बहुत चंगी कथा भी कीती, ए तां बीज है। फिर जमीन भी चाहिए। जमीन किस दी है? जमीन भावना दी चाहिए, भाव दी। जेकर जमीन ही नहीं है भाव दी, बीज किथे अंकुरित होवेगा, किथे अंकुरित होवेगा। जे मैं इस तरह कह दवां, दहन गुरु रामदास सतगुरु जी कहंदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर। वक वक किस्म दे नाल रब नूं गा रहे ने, कोई रागां दे राही, कोई वेदां दे राही, कोई नाद दे राही, धुन आवाज कढ के बहु भांत कर, वक वक तरीके दे नाल। पर रब ने भेजिया, क्यों नहीं भेजिया? रब कहन लगे कि गावना मुबारक है, कीर्तन मुबारक है, कथा करनी मुबारक है, लेकिन उसने भूमि ही नहीं मिली कि वो बीज कितों अंकुरित होगा। क्यों? जिन अंतर कपट विकार है, इना रोए क्या कीजे। अंदर ता कपट है, विकार है, तो फिर वो कीर्तन कीर्तन नहीं है, वो तो फिर रोटियां वास्ते रोना है, रोटियां। जे किधरे कथा की गल करिए, कबीर साहब कहते ने, तू होरना नू ता उपदेश भी कर दे, अवरे कौ उपदेश दे, मुख मैं पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। तू कथा ता बहुत सोहनी कीती है, बहुत सोहनी, पर की तेरा अपना जीवन इस तरह का है जिस तरह की कथा कीती? कहन लगे नहीं। कबीर साहब कहते ने, जे इस तरह का जीवन नहीं है तो तेरा तेरे मुख विच निरी रेत ही रेत है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाव दी जमीन चाहिए है, जमीन। और मनुख कह देंदा है, मैं सिमरन तो बहुत कीता है, बंदगी बहुत कीती, पर गल नहीं बनी। किस तरह नहीं बनी गल? बीज तो तेरे कोल सी, कीर्तन कथा भी सुनी, सिमरन भी कीता, लेकिन उसनु जमीन भी चाहिदी है, भूमि भी चाहिदी है, और भूमि होवे भाव दी। बेशक तू बहुत सुंदर है, बेशक तू कुलीन है, तू चतुर भी है, तू ज्ञानी भी है, और तू धनवंत भी है, तेरे को बहुत कुछ धन भी है, बहुत कुछ। अगां दी पंक्ति विच सतगुरु जी की कहंदे ने, मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो ता मृतक है, जे प्रभु दा प्यार नहीं है तो बहुत सुंदर है, पर प्रभु दा प्रेम नहीं है तो तेरी सुंदरता कुरूपता दे विच बदल जाए। तू बहुत ही उच्चे कुल दा है, पर तेरे कोल प्रभु दा सिमरन नहीं है, तेरी कुल कुल नहीं है, तू ता बिल्कुल नीवे कुल दा है। तू बहुत धनवंत है, पर तेरे को प्रभु का प्रेम नहीं है, तू जीरो जीरो। एक दफा की होया, कोई संत पुरुष किसी के घर चला गया। वो कहता है, महाराज मेरे को प्रभु की कितनी कृपा है, आप जी देखो, आप जी देखो। वो की दिखाता है, कहता है, ये जितने भी पेट्रोल पंप ने थे, ये मेरे ने,
ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਔਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਮਛਲੀ ਪਕੜਨ ਲਈ। ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਛਲੀ ਪਕੜਨੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਪਰਛਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਛਾਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਟ ਗਈ, ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ 900 ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕੰਮ 1000 ਦਾ ਕੀਤਾ, 900 ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 900 ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 900 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੂਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਅਤੇ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹਨ? ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ, ਮੁਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
नंगा अखर जगत नो की उपदेश दे रहा है, क्योंकि 52 अखरी हर एक अखर दा अपना अपना महत्व है, हर एक अखर दा। तो गंगा अखर की कह रहा है, गंगा अखर कहता है गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता। ज्ञाता दा भाव होंदा है ज्ञानी, ज्ञाता जिसनों असी कहते हैं संस्कृत विच कहते ने ज्ञाता, ते हिंदी विच भी कहते हैं उसनों ज्ञानी। ये बहुत वड्डा ज्ञानी है, बहुत वड्डा ज्ञाता है। सतगुरु जी कहते ने तू 6 शास्त्रां दा ज्ञाता है। सनातन धर्म दे विच 4 वेद हन, ते 6 शास्त्र हन, ते 18 पुराण। बाकायदा जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब जी इसका जिक्र करते ने 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। ये किस घर की गल की है, ते किस गुरु की गल की है, ते किस उपदेश की गल की है। इत्थे इशारा किया है 6 घर भाव 6 शास्त्र, 6 गुर भाव 6 शास्त्रां दे 6 राइटर। क्योंकि हर एक शास्त्र दा वखरा लेखक है, ते उसनों साहिब जी कहिंदे ने इन्हां दे 6 ही रचनाकार ने, 6 ही इन्हां दे राइटर ने, वखरे वखरे 6 शास्त्र 6 घर 6 गुर, फिर इन्हां दे वखरे वखरे उपदेश ने, गुर गुर एको वेश अनेक। इन्हां दे भाव वखरे ने, इन्हां दे लेखक वखरे ने, पर जे गहरे तल ते जाइए तां निरंकार तां इक ही है, इक ही है। उहदे वेश वखरे वखरे ने। खैर गुरु साहिब जी कहिंदे ने तूं 6 शास्त्रां दा ज्ञाता हो जावे। और पुरातन समय विच की हुंदा सी, जदों मनुख वेद याद करदा सी, कई ऐसे भी सन जिन्हां नूं संपूर्ण वेद याद सी कंठस। बड़ा औखा है कंठस याद करने, जपजी साहिब दी बाणी याद करनी गुस्ताखी माफ बड़ी औखी है। और जे किधरे इस नूं उहदे अर्थ भी समझदे जाओ, एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ उहदा अर्थ भी समझते जाओ, तो दूजी पंक्ति नूं फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जे अर्थ भी पढ़ते जाइए, अर्थ भी विचारते जाइए मन दे विच कि जप बाणी की कह रही है, अगां दी पंक्ति फिर की सी, मनुख भुल जाता है। क्योंकि अर्थ विच ही डुब गया, अर्थ विच ही चिंतन करता है, फिर मनुख चिंतन करता है। और जे किधरे मनुख नूं जप बाणी चेते भी है, याद भी है, तो उसनों जेकर किया जावे कि माइक अपने हाथ विच लै के जरा संगत दे सामने सुना, फिर नहीं सुना पाएगा। अकेला बैठ के कर लेंदा है, संगत दे सामने उच्चारण करके सुना मुश्किल है। पर चारों वेद कंठस कर लेने, फिर अपने नाम दे पिछे लगांदे सी। जे किसे ने एक वेद याद कीता है, अपने नाम दे पिछे बेदी, एक वेद याद है। जिसने दोवें वेद कंठस कर ले, वो अपने नाम दे पिछे लगांदा सी द्वेदी, इसने 2 वेद याद कीते ने। जिसने 3 वेद कंठस कर ले, वो नाम दे पिछे लगांदा सी त्रिवेदी, अज भी जिवें लगांदे ने त्रिवेदी। और जिसनू 4 वेद कंठस हो गए, वो लिखदा सी चतुर्वेदी। ते अज जो मनुख कहिंदा अपने नाम दे पिछे लगांदा है चतुर्वेदी, उसनों कहना कि मैनू एक पंक्ति सुना वेद दी, एक भी नहीं सुनाएगा, नाम चतुर्वेदी है। एक भी पंक्ति नहीं सुनाएगा, नाम त्रिवेदी है। एक भी पंक्ति नहीं सुनाएगा, नाम द्विवेदी है। एक भी बोल नहीं सुनाएगा, नाम वेदी। गुस्ताखी माफ। तो धन गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमा रहे ने, मैं मन लेंदा तेनु 6 शास्त्र कंठस याद ने। गंगा खट, खट कहंदे ने
छे शास्त्र होए ज्ञाता, तू छे शास्त्रां दा ज्ञाता है। उस तो भी अगां चलो, पूरक कुंभक रेचक करमाता, तो योग भी करदा है। पूरक कहंदे ने साह नूं खब्बी नासिका तो उपर लै जाना, इस नूं कहंदे ने पूरक, साह भरना इस नूं कहंदे ने पूरक, ते भरे हुए साह नूं रोकना उस नूं कहंदे ने कुंभक, और भरे हुए साह नूं फिर वापस दूजी नासिका दे राहीं छड़ना इस नूं कहंदे ने रेचक। ये योग दी भाषा है। पूरक कुंभक रेचक करमाता, तू इस तरह योग भी करता है तो छे शास्त्र भी पढ़ता है, ते छे शास्त्रां दी तू गल भी करता है। फिर इतना ही नहीं, ज्ञान ध्यान तीरथ इशनानी, तू ज्ञान दी भी गल्लां करता है, तू ध्यान दी भी गल्लां करता है, ते तू तीर्थां ते जाके इशनान भी करता है। और कितनी गल्लां हो गईयां, छे शास्त्र भी पढ़ता है ते योग भी करता है ते ज्ञान ते ध्यान दी गल भी करता है ते तीर्थां ते इशनान भी करता है। सोम पाक अपरस उद्यानी, सोम पाक कहंदे ने शिवम पाक, खुद बनांदा है अपना भोजन। सोम पाक अपना भोजन खुद बनांदा है, अपनी रोटी खुद बनांदा है, कि किसी का अपवित्र हथ ना लग जाए। अपरस कहंदे ने कोई छू ना लवे मेरे भोजन नू, जे मेरे भोजन नू किसी ने छू लिया तो वह भोजन अपवित्र हो जाए। बकायदा सतगुरु जी आसा की वार की बाणी विच कहंदे ने, देके चौंका कढ़ी कार, ऊपर आए बैठे कुड़िया, मत भिटे वे मत भिटे, ए अन्न असाडा फिटे। कहंदे ने लकीर कढ़ के चौंका कढ़ के ते उहदे विचकार आके तू बैठ गया, पर बैठण वाला कौन है? कहंदे ने बैठण वाला खुद ही झूठा है, बैठण वाला खुद ही कुड़ियार है। ऊपर आए बैठे कुड़ियार, तेरे अंदर तो झूठ भरिया है, तेरे अंदर तो फरेब है, तेरे अंदर तो लब लोभ है, तेरे अंदर तो आलोदगी है, गंदगी भरी है, ते तू सुचा किस तरह होएगा? पर फिर भी तू कहंदा है मैं अपना भोजन खुद बनाना है, ते किसे ने हथ भी नहीं लगाना, ते उस तो बाद फिर जंगल विच जाके बैठदा है, उत्थे तप करदा है। इतना कुछ करन तो बाद भी राम नाम संग मन नहीं हेता, हेता कहंदे ने प्रेम पैदा नहीं होया। पाठ भी कर लिया, इशनान भी कर लिया, अपने हथां दे नाल भोजन बना के छक लिया, पर अंदर प्रेम नहीं पैदा होया, भाव पैदा नहीं होया, जमीन पैदा नहीं हुई, धरती बनी नहीं जिहदे विच बीज बीजना है, धरती बनी नहीं। अक्सर मैं देखिया पिंडां विच, और असी खुद भी करदे सी, जदों चने दा बीज बीजना होवे ते असी की कहंदे सी, भाई धरती भावें कितनी भी कठोर होवे, बस इको दफा हल वाह के ते चने दा बीज बीज दवो, इसने उग जाना है, कठोर है उग जाना है। पर जे किते सरसों बीजनी होवे ता फिर इको ही थां ते एक वार नहीं, घट तो घट अठ वार हल वाहना पैंदा सी, अठ वार, अठ दफा, कदे खब्बे तो सजे, कदे सजे तो खब्बे, कदे आडी कदे तिरछी, इस तरह मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जावे, बहुत उपजाऊ। फिर की करदे सी कि मिट्टी इतनी उपजाऊ है, इतनी उपजाऊ है कि इत्थे असी शर्त लगाने कि जेड़ा भी कोई भज के मेरी धरती नू पार कर दे उसनू इनाम देवांगे। बड़ा औखा भजना, क्योंकि जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ, जिथे भी पैर रखते ने पैर धस जाता है, धस।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਮਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੇਢੀ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੈ ਜੇ ਕਉ ਛਾਨ ਛਵਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਬ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵੈਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ। ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾ। ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੁਣਾ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਟਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 20, 19, 18, 17 ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ
सितम होता है हर रोज एक दिन मेरी उम्र में कम होता है। ते करुणा पैदा होनी चाहिए है कि एक दिन रुखसत कर जावांगे करुणा। इस तों बाद जिहड़ा तीजा सूत्र है वह भी चेते रखना, वह सूत्र है और उस सूत्र नू हर रोज अरदास दे विच भी असी बयां करदे हां अर्ज करदे हां और वह है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। कहिंदे ने हर वेले खिड़ाव की अवस्था विच रहना है, खिड़ाव की अवस्था विच। हुण जेकर गुरु साहिबान का इतिहास वेखीए तत्ती तवी ते बैठे ने फिर भी खिड़ाव की अवस्था, बंद बंद कट्टे जा रहे ने खिड़ाव की अवस्था, उबलदी देग विच बैठे ने खिड़ाव की अवस्था, आरे नाल चीरे जा रहे ने फिर भी खिड़ाव की अवस्था। पर साडे जीवन विच जरा जिहा दुख आ गया, असीं मर जा गए, जरा जिहा दुख आ गया, मायूस हो गए। कहिंदे ने नहीं, इस तरह नहीं। चौथी जिहड़ी गल है वह है शुकराना, प्रभु दा शुकराना कि हे प्रभु तो इतना सुंदर शरीर बख्शिया तेरा धन्यवाद है, इतनी सुंदर अखां बख्शिया तेरा धन्यवाद है, इतना कुछ देखण वास्ते बख्शिया तेरा धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि विज्ञान भी कहिंदा है सूरज हर रोज ठंडा हुंदा जा रहा है, एक दिन ऐसा आवेगा सूरज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, विज्ञान कहिंदा है। कहिंदे ने जदों सूरज ठंडा हो गया फिर तू की करेगा, गल खत्म। ते प्रभु ने इतना सुंदर तेनू मकान बख्शिया धन्यवाद कर, इतना सुंदर परिवार बख्शिया धन्यवाद कर, इतना सुंदर शरीर बख्शिया धन्यवाद कर। जदों असी भोजन छकते हाँ एक रोटी खाते हाँ वह जाके खून बनता है। हुण एक कम करके देखना, विज्ञान नू कहना, वड़े तो वड़े वैज्ञानिक नू कहना कि ए एक रोटी लवो ते इहदा खून बना के दिखाओ, नहीं बना सकदा। ओही एक रोटी जदों साढ़े शरीर विच जांदी है वह खून बनती है जाके। तो इसका ही धन्यवाद कर, तो इसका ही शुकराना कर। जे तू शुकराना नहीं किया तो अखीरले बोल 52 अखरी दे इस पौड़ी दे कि प्रभु दे नाल तेरा प्रेम नहीं बनिया, जो किछ कीनो सोऊ अनेता, तू जितना कुछ भी करता रहा सब बेकार है। शास्त्र भी पढ़ता रहा, इशनान भी करता रहा, ज्ञान ध्यान की गल भी करता रहा, पर तेरे दिल विच प्रेम पैदा नहीं होया, सब बेकार है। हुण तुलना किसते नाल करदे ने कि उवां ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। एक चंडाल है जिहड़ा कदे पाठ नहीं करदा, कदे इशनान नहीं करदा, ज्ञान की गल नहीं करदा, लेकिन प्रभु दा प्रेम उहदे दिल विच मौजूद है, तां तेरे तों उह चंडाल चंगा है। चंडाल चंगा है जिहदे दिल विच प्रभु दा प्रेम तां है, ते बस ये प्रेम पैदा करना है संगत करके, कीर्तन सुन के, कथा सुन के निम्रता दे भाव पैदा करने ने। गुरु पातशाह जी रहमतां करन, सारियां नूं प्यार बख्शिश करन। बाकी विचारां कल करांगे। पुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।